नमस्ते साथियों, पहाड़ी दिख रही है और उसके बगल में ही सटक कर घर बने हुए हैं। पूरा एटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ से मैं तकरीबन 18 किलोमीटर दूरी पर, फिर भी यहाँ पर ये मेरा किला दिखाई दे रहा है। इतनी दूर से दिखाई देता है इसलिए पहचान बनाने को आसान है। और यहाँ पर जयवन सत्यगिर करके 1.5 घंटे से मेरा वेट कर रहे हो इस घर में। अंदर साहब गए, फर्स्ट फ्लोर पर है क्या बेटा वो? हाँ नमस्ते सर, उसमें गया है क्या? आप कंटिन्यू इधर ही ठहरे हैं? और इधर से मुंह वगैरह नहीं निकाला? भारी नहीं आया? मुंह आया था इधर, एक बार आया था। ये फर्स्ट फ्लोर है, सांप को चढ़ने के लिए जगह है, ग्रिप मिलता है तो कहाँ पर भी जा सकता है। 4th मंजिल पर, और वो भी सिटी में हमने सांप पकड़ा है, उसका वीडियो हम बना चुके हैं। और ये इस तरह से आके बैठा हुआ है, ये देखिए। आप अगर हमारे वीडियो बार बार देखते हैं और पहचानना चाहते हैं तो आप पहचानिएगा। और यही एक तरीका है, बार बार सांप आप देखेंगे तभी आप सांप पहचान पाएंगे। एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। और इसके साथ में ये भी देखिए कि ये कितने डरपोक रहते हैं। सर जब से देख रहे हैं वो एक बार मुंह निकाला था, सर सही है ना? तो अंदर ऐसा ही बैठा है और ऊपर स्टेप चढ़कर आया है। दामन तो कहीं पर भी चढ़ सकता है, पेड़ पर चढ़ने वाले सांप तो खास उसमें रहते हैं। तो ये मैं निकालता हूँ और ये डर कर छुप कर ऐसा बैठा हुआ है। बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, वही हम लगातार सीखे। और 16,000 लगभग, मतलब 15,886 बस मैं पकड़ रहा हूँ। तो इन्होंने सब कुछ सिखाया, एक दो दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमें सीखना है उनसे, वो कैसा रहते हैं, क्या रहते हैं और क्या डरते हैं, क्यों काटते हैं, ये सब हमें सांप भी बहुत बार सिखाने की कोशिश करता है। हम देखने का नज़रिया कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। सीखने के लिए तो बहुत कुछ पर्यावरण, हमारे आस पड़ोस का वातावरण हमें सिखाना चाहता है, लेकिन हम लोगों की बातें बहुत सुनते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और वो सब प्रॉब्लम आ जाता है। और सांप भी बदनाम हो रहे हैं और सांपों का जान के साथ हमारी भी जान खतरे में आ रही है। तो क्या क्या कर सकता है, हमें काटने से पहले कितना डरता है, ये आपको बहुत मायने रखता है। इसलिए वीडियो बनाने का मकसद जो है आपको सच्चा, सच में जो सांप है वो क्या है पता करने के लिए। तो देख सकते कितने नज़दीक है हम और क्या कर रहा है, कितना डर रहा है। ये हो गया और पूरा ओपन हो गया। अभी ये इससे डरता रहता है, अभी हम सीधा जाके पकड़ने लगेंगे तो ये करेगा। ये देखिए, ये देखिए, हम उसको कुछ कर रहे हैं तब तक कुछ भी नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ था, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। और उसके बाद भी हमें डराने के बाद भी इधर से ये जाना ही चाहता है, इसलिए ऐसा ऐसा करके कुछ करने लगता है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत सुंदर। और एक नाग है, किस तरह से फोड़ निकाला है, आपने देखा है? हाँ नाग सांप है, नाग सांप है। तो तकरीबन 3 साल की उम्र का ये सांप हो सकता है, हेल्दी सांप है। और उसने हल्का सा कुछ खाया है और हो सकता है वहाँ पर जाके मेंढक भी खाया हो। लेकिन सांप ऐसा कुछ तय करके नहीं आता है कि इधर जाना है, उधर जाना है, इनके घर में जाना है। पर खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कहीं पर भी हो जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो सूंघने से उसको अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। और चूहे है, मेंढक है, फिर वो इंसान के नज़दीक है, इसलिए इंसान के पास पहुंच जाते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन फिल्मों में, सीरियल में और लोगों से जो सुना है, बहुत सारी गलत बातें हम सुनते हैं और उन पे लोग बता रहे करके विश्वास रखते हैं। बहुत सारी गलत फहमियाँ निर्माण हुई है और सांप ज़्यादा ही बदनाम हुआ है। मानने के लिए तो भगवान है, लेकिन उनके साथ जो शैतान जैसा बर्ताव हम करते हैं उसका कारण ही वही है। उसका जो अवेयरनेस है वो नहीं हुआ है। और मकसद है कि ये हो, हमारे दर्शक खास कर ये जाने परखे और हमारी बातों से ज़्यादा आप जो आँखों से देख रहे हैं उस पर विश्वास करें। बहुत कुछ सिखा रहे हैं हम, मुँह से बोलने से भी ज़रूरी है, यहाँ पर भी यही देखने को मिला। तो ऐसा ही सांपों की जानकारी देने का, डर दूर करने का सफर जारी है। यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन सांपों को बचाने का और डर दूर करने का सफर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।